Assalamualaikum, hello everyone, this is Anis और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 से 3 केसेस मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं और पाकिस्तान में आपको पता है कि जब भी इस तरह की कोई मुसीबत या कोई कुदरती आफत आती है तो हम सो एज ए नेशन हम इसके ऊपर काम करते हैं और एक हौसला और एक जो मुत्तहिद कौम की निशानी होती है वो हम काम करते हैं। लेकिन जनाब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हर घर में एक अदर डॉक्टर होता है और कोरोना वायरस के तकरीबन कोई 2 लाख के करीब रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है वो सामने आ चुके हैं, जो फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार करते हैं और डिफरेंट तरह की रेमेडीज देते हैं। और इसी तरह से अगर हम फेस मास्क की बात करें तो मास्क के ऊपर भी सिचुएशन आपके सामने है कि मार्केट में मास्क अवेलेबल नहीं है। और इस तरह से अगर हम डिफरेंट मीम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा मीम्स जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हम हर मुसीबत को हर मुश्किल को बड़े लाइट वे में लेते हैं और इसका मुकाबला करते हैं। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही इसके ऊपर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैंने एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और इसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है और WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2% जो अमवात हैं डेथ्स हैं वो इससे होती हैं, इसके अलावा इससे डेथ नहीं होती। तो डॉक्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल महमूद है, मैं इन्फेक्शन डिजीज़ का हेड हूँ खान हॉस्पिटल के अंदर और बाकी जैसे बताएंगे कि मैं शुरू से इस पर काम कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बताना है। एक तो ये कि नंबर 1 आपका काम यह है कि लोगों को बताएं कि प्लीज़ परेशान मत हो, घबराएं ना। ज़्यादातर केसेस इस बिकॉज इसमें 80% ज़्यादा लोगों को बहुत ही हल्की पुल्की बुखार खांसी और वो ठीक हो जाते हैं और अमवात जो होती हैं वो भी सिर्फ 2% लोगों के अंदर और वो भी उन लोगों में जो ऑलरेडी जिनके कुत मुदाफियत कमज़ोर हो, जो जिनके फेफड़े ख़राब हों उन लोगों में होती हैं, जो 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 सिगरेट पीते हों, जो जो दमे की बीमारी के हों, जो ज़ईफ़ हों, तो वो लोग जो जो नॉर्मल चलते फिरते बंदे हों उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो खांसी बुखार और फिर ठीक हो जाते हैं। सो दैट्स अ नंबर 1 थिंग। लोगों के जहन में ये है कि उनको ये वायरस लगेगा और ये बिल्कुल इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये एक तो ये देखना है। दूसरा जो हिफाजी तदबीर की बात की थी तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हाथ साफ़ रखना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जब आप बाहर कहीं हों और हाथ साफ़ रखने के लिए जैसे कि बताया डिसइंफेक्टेंट होते हैं अल्कोहल वाले वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ साबुन से धोते रहें और जब बाहर हों तो कोशिश करें कि अपने मुंह को नाक को आंख को ना छुएं, क्योंकि ये वायरस मुंह और नाक और आंख के ज़रिए आपके अंदर जा सकता है। आम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये वायरस बहुत दूर नहीं फैलता, ये सिर्फ तकरीबन 1 मीटर दूरी जाता है, तो यानी कि आम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मरीज़ को देख रहे हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है तो फिर ही उसी के से मास्क पहने। इस वजह से अस्पताल में जो अमला है वो शायद मास्क पहने क्योंकि अब नहीं पता कि पेशेंट है कि नहीं, मगर आम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और मास्क भी अगर पहनना है तो वो सिंपल वाला मास्क है, वो ख़ास मास्क इसके लिए पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे किसी इलाके से आएँ जहाँ पर यह वायरस फैला हुआ है और आपको कोई अलामत नहीं है तो बेहतर है कि चूँकि हमको नहीं पता कि आपके अंदर वायरस मौजूद है, आपको अलामत होंगे कि नहीं होंगे, तो बेहतर है कि आप अपने घर ही में रहें, लोगों से कम मिलें। और याद रखें एक दफ़ा वायरस अंदर घुसता है तो 14 दिन के अंदर अंदर अलामत आ जाते हैं, अगर 14 दिन गुजर गए तो फिर आप सेफ हैं। तो 14 दिन का टाइम है, उससे भी यूजली कम, मगर 14 दिन मैक्सिमम इसका टाइम है। और अगर आपको लगता है कि आपको अलामत हैं तो फिर और जी ऑफ कोर्स एंड 1166 पे भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं इसके। सो जनाब ये तो थी डॉक्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मुस्तनद जरिए से जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, हाथ मुंह धोएं और लोगों से जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है आपका हैंडशेक करना है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें और फेस मास्क की जैसा कि उन्होंने बताया कि हर बंदे को ज़रूरत नहीं है और 1 मीटर के दायरे के अंदर अगर आप रहते हैं किसी से और अगर वो मरीज़ है उस केस में आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है, वरना आपको मास्क की ऐसे ज़रूरत नहीं है। सो जनाब इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो। सो मिलते हैं एक और वीडियो में।